प्रदीप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो भाई साहब आज चलो कोई नहीं मैम, व्लॉग अलग स्टार्ट करने जा रहा है क्योंकि अभी मुझे बाहर निकला, मुझे याद आया कि चलो आज व्लॉग बना लेते, क्योंकि बड़े दिन हो गए व्लॉग बनाया नहीं था। क्या खा रहे हैं फिटनेस वाले भाई? अपने मंदिर वाले गए सरदार जी के मशहूर समोसे और पकौड़े। मैं तो समोसा खा रहा हूँ, चटनी बड़ी मशहूर होती है, आगे बहुत प्यारी होती है। इसके बुखार हो गया फीवर का, मैं कहा इससे मिल ले तो कहीं बोले लड़की आती है, बंदा चेंज हो गया। लड़की कौन सी आई बतेरी है मेरे नाम ले दूँ तो मैं तुमसे ये खा के मिल दूँ। और उसके बाद हमारे एक फ्रेंड का रोका है तो हम उसके लिए अपना थोड़ा क्या सिलवा रहे हैं। सो गाइज, ये ले रहे हैं अपने चिकन डाइट और तुम्हारे भाई ने लिया समोसा डाइट, यही डिफरेंस है एक वेजिटेरियन में और एक नॉन वेजिटेरियन में। हेलो सड़े, अपने दिल की सुनो यार, एक ही लाइफ है, खाना है, खाओ समोसे, क्या हो जाएगा। अभी जाऊंगा शाम को जिम, काट लूंगा सारा जितना भी खाया समोसा। बस काट ही जा रहा, तू 6 महीने तो शरीर में कुछ वर्क तो आ नहीं रहा। 6 महीने का हुआ, 3 महीने तो मैं वर्कआउट करते हुआ भाई, 45 किलो से 55 kg ट्रांसफॉर्मेशन। सही है भाई तुम्हारे, मुझे फुल डाइट चल रही तुम्हारी तो। गाइस मुझको ना एक चीज बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई प्रैंक वीडियो करा जाए, मतलब लाइक प्रैंक इन द सेंस कि मतलब किसी मार्केट में जा रहे हैं। अरे मम्मी घर आऊंगा यार, कुछ ऐसे नीचे कमेंट करो, भाई 2 मिनट रुको, नीचे कमेंट करो कोई ऐसे, मुझे कोई आइडियाज दो कि मैं कुछ प्रैंक करूँ लोगों के साथ जाके। और हाँ करो कुछ ऐसा, बनाते हैं यार क्योंकि ये थोड़ा माहौल बड़ा ठंडा सा पैरा, थोड़ा गर्म करते हैं। So, hey guys, welcome back to my another vlog. तो guys, अभी मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, guess करो किसके घर में बैठा हूँ, क्योंकि वालिया भाई के घर में बैठा हूँ। भाई का वीजा लग गया है तो भाई को थोड़ा वो क्या करते हैं उसको पुश करने आए हुए हैं ना, मोटिवेट करने आए हैं भाई की तू घबराइए मत, वहाँ भी अपनी जान पहचान है, टाइम चोट दे जाएगी जहाँ मर्जी कोई सा भी क्षेत्र हो, तो अपने भाई का चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, कुछ मीटिंग है और ड्राइवर को कॉल करा है, ड्राइवर हमने रख लिया है, ड्राइवर आ रहा है तो वहाँ चल के थोड़ा कुछ देखते हैं, कपड़े वपड़े कुछ देखने हैं शायद से, क्योंकि भाई जा रहा है न्यूजीलैंड तो उसके लिए कुछ दे देंगे कपड़े वगैरह जाने के लिए। बाकी अभी भी नहाने गया हुआ है, उसका छोटा भाई बैठा हुआ है, छोटा बड़ा है ये छोटा, छोटा भाई बैठा हुआ है। मिलते हैं फिर तुम्हें, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके आ भाई, अरे अरे बेटी छोट के जरा, तेरा बाप बेटी छोड़ गया, अरे जोड़ सी का भी था न्यूजीलैंड का 14 बहन के लड़ने, जो भी इसका वीजा बना रहा था उसकी बहन चूत दल्ले की, दल्ले के बच्चे की बहन के लड़ने, जो उसका वीजा कैंसिल कर रहा था, खड़े पैर बंदूक बजाऊंगा उसकी चूथड़ी गाने में, समझ में आ गई बात, खड़े पैर गोली बजेगी, खले पैर बहन के लड़, तुम्हारा पूरा वीजा सर्विस सेंटर बंद करवा दूंगा अगर बहन के लड़ो 2 दिन में इसका वीजा नहीं आया, बहन के लड़ो बस वार्निंग है फिर भाई के लिए, कुछ भाई के लिए छोटा भाई है पर है बेटी चौथा, ये भी भाई जब देखो बोल रहे लड़की उसमें घुस जाता है आगे, जो यारी दोस्तों को भी लड़की मत लाइयो, कौन सी नया है पूछ रही है, नहीं शादी के बाद भी बीवी मेरे साथ खड़ी करती हो, वो क्या कह रहा है बाबू, ये चांटा लगा रखी भाई के लिए कुछ, अरे बाबड़ी चौथा भाई है, इंट्रोवर्ट है अपना, इंट्रोवर्ट का चौथा। तीनों गाइस अभी हम आ रखे थे तिलक नगर, थोड़ी तिलक नगर में सब आ रखे थे खाने पीने के लिए, देखें आप ही बैठ जो कौन सा बेस्ट डिली का चौथा बनता है। है भाई क्या है वीरे, आप आते 2 कॉर्न सूप ते 3 चिकन सूप दो कॉर्न सूप कॉर्न रे बावड़ी गांड बना दियो, इतना बैठ के इतना तेरा मजाक बना दूंगा, खड़े पैर और खड़ी के दतले सारे बाल नीचे खींच के ले आऊंगा दतलों के बीच में से, मेरे बारे में नहीं बोला तूने कुछ यार, तू अपना छोटा भाई है यार, पापा पापा है ना, बोल पापा पापा नहीं, इसका बाप बदमाश है ना, छू पैर बहन के लोड़े, इसका बाप बदमाश है ना, पैर छू जो ऐड तो उसके बाप पे ही ऐड तो ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो भाई अभी हम यहाँ पे रहे हैं छोटा भाई, किसका बहुत बढ़िया A1 पिज्जा है, ये किसके सामने है दिखाइए जरा, पान के बाहर विनोद पान के भारी भाई, बड़ा प्यारा सेक्सी पिज्जा, और ये देखो आ गया, बट देखो कितनी भीड़ लगी, सब बंदे आ गए भाई, आराम से आराम से भाई, सब आराम से देखो भाई कितना प्यारा पिज्जा, खसोड़ा बन गया तू खास खास के। तो मेरे छोटे भाइयों और ते हमने खाना खा लिया तिलकनगढ़ से, ते अब हम निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं राज्य, और खाना खा रहे, और खाना खाने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपना चाचा चाचा पे, चाचा नहीं जा रहे फिर ताऊ पे, ताऊ के पास जा रहे हैं, ताऊ ताऊ के पास जा रहे हैं, तेरी वीजा की गांड फाड़ बहन के लंड, चुप हो जा थोड़ी देर भाई, देखो मेरे को बहन ऐसे बेइज्जत कर रहा है, लंड व टाइम गोइंग थ्रू, तेरी बहन की गांड बना रहा है भोसड़ी के मेरे बगल में बैठे, व टाइम गोइंग थ्रू
तो अब हम जा रहे हैं बैठी गिनने की गैर फाड़नी पड़ेगी, बहुत बदतमीज होते जा रहा है पीछे वहाँ पे वो है शोरबा खाते आज भाई खाना पीना नहीं खा रहे पीछे एक वो है ऐसी जगह रोक अब जहाँ वेज भी मिल जाए कुछ खाने को बढ़िया और बता राजेश सुनने में आया तेरी नौकरी वोकरी बड़ी नौकरी छोकरी दोनों भाग गई पर्सनल लाइफ क्या हो गई नौकरी छोकरी के क्या सीन चल रहा है मैंने बता चूते तो मैं हूँ निवले मेरे मार इसको बैंड किसे ऑन कैमरा सो गाइस ये हमें यहाँ पे मंजीत मिला कोई चिकन मटन शॉप है ये लोग खा रहे हैं साइड से खा रहे हैं कहाँ से खा रहे तुम ये पुल लला तेरा चिकन आ गया पुल बंगाश वाले पुल बंगाश वाले से यहाँ पे उसने बताया था कह रहा इसका ट्राई काफी बढ़िया होगा भाई हमारा चिकन खाते हुए चिकन है स्वागत है एक अगले दिन में वो व्लॉग तो वहीं पे चल रहा था कंटिन्यू ही नहीं कर पाया क्योंकि भाई उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा रात को कुछ दिखाने लायक था नहीं बड़ी सुस्ती आ रखी थी जिम भी नहीं जा पाए थे तो हम ऐसे आंटते आंटते आकाश भाई को फोन करा है आ जा भाई मनुष्य कहीं आंटते हैं बंद है ओहो ये मेरी दुकान भी बंद है ये बहन के टांग इनको सैलरी काटनी पड़ेगी सालों के पैसा बहुत आ गया है ये मेरी बात करके राजी ही नहीं है साढ़े काम करके राजी नहीं है अब देखते कुछ करते हैं अब गिनने के बाद चलते हैं गिनने को बुलाते हैं आज ब्लैक फ्राइडे है सोच रहा हूँ मैं जूते वूते ले लूँ क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया अब थोड़े खर्च भी तो करने जरूरी होते हैं ना चलो देखते हैं भाई अभी मुझे ना एक बात मतलब मैं अभी घर आया काश मुझे के साथ था फिर मैं घर आया क्योंकि गिनने का फोन आ गया कि भाई आज ब्लैक फ्राइडे है कुछ खरीदने चलते हैं मैं कहा आ जा पैसिफिक मॉल चलते हैं तुम्हारा भाई नीचे खड़ा हुआ और इतनी तगड़ी बात पता चली है ना भाई चीते भाई दर्द वहा इतनी तगड़ी बात पता चली है कि तुम भी बंदे को बोलोगे भाई क्या सीन है चलो गिनने का नीचे आने तो उसी के सामने पूछूंगा करा क्या भाई तूने शर्म आई नहीं आई तुझे पहले ये बता हटना ये तो बता तो गाइस बेटी हो गई बहुत तगड़ी गया था मैं लेने के लिए बट आज ब्लैक फ्राइडे सेल थी सब बंदे लेने के लिए बट दे गया सब रहते सब बंदे आ गए थे ब्लैक फ्राइडे की सेल में वो पहले मेरे से पहले ही लेके चले गए सारे सामान तो ना कुछ आउटलेट में कुछ पड़ा ही नहीं था अब मैं क्या लूँ बचा उचा सामान तो मैं तुम्हारा भाई लेगा नहीं तुम्हें पता ही है चलो कोई नहीं भगवान भी चाहता है कि तू ले ओरिजिनल कोई बिना डिस्काउंट के ले ले लूँगा कोई बात नहीं बाकी इसका तो बता दे बाकी मैंने भाई ये ज़ारा से भाई मैंने सोचा इसमें कि ज़ारा से परसों बनाया मैं सोचा 40% ऑफिस पे भी होगा उठा लिया मैंने मजे मजे में इसकी बैड की बिलिंग कराई करा 1180 रुपये मैं तेरी बैड की टाँग एक भी रुपया डिस्काउंट नहीं बहुत बीटी हो गई यार आज का दिन हेक्टिक हो गया अब मैं जा रहा हूँ तिलक नगर वाले पे क्या भाई ओरिजिनल है दिखाओ ओरिजिनल तो नहीं है कितने कितने की शर्त लगाओ खेलोगे मैं यहाँ पे बैठा था धूप सेकने के लिए सामने लड़कियाँ आई कह रही रील बना लोगे भैया हमारे साथ मैंने कहा ना जी ना कब गए हैं घंटा गए थोड़ी के तूने अपने गए सच बताइयो अच्छा हाँ ठीक है ये डालूंगा आप डालेगी अब बोल बोला कि नहीं बोला गाइस यही रीजन है ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि कुछ करने को होता ही नहीं है कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ आते हैं हमारा गर्दी चलती रहती है तो अब हम सोच रहे हैं कल का व्लॉग आएगा ट्रैवलिंग पार्क का चलेगा कल चलेगा ट्रैम्पलिन पार्क का चलेगा भाई ट्रैम्पलिन पार्क चलेगा कल कौन से पार्क जल्दी बोल बोल रहा कि नहीं बोल रहा आए तुम्हारे भाई पास एक टेक्निक आई है गाइस अब जो भी मर्जी कराना होगा मैं हाँ कर सकता हूँ अगर मुझको ये खाने का मन है तो यही पे करेगा फिर मैं नहीं करूँगा यही अपना वो परफ्यूम है जो मुझे लगा कि ये 40% ऑफ का मिल रहा है और तुम्हारे भाई ने ले लिया अब क्यों नहीं क्योंकि अब ईगो पे बात आ गई थी गिनने ने बोला था कुछ ना कुछ तो खरीदना तो मैंने खरीद लिया बाकी देखते हैं भाई चलो कोई नहीं अब सीधा सीधा जिम में मिलते हैं तो गाइस अपना वर्कआउट हो गया डन अब आप जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए अब सीधा आपको खाने पीने के वहां पर मिलेंगे ओके बाय बाय कल आप करो भैया चलोगे भैया तो ये कौन सी जगह है भाई तो गाइस आ गया रजौरी अपना देखता कुछ खाने की जगह क्या है अभी क्या खा खाओगे बताओ डैडी तू कहाँ गए इतनी देर से पहले ये तो था डैडी गाइस सो बातों की एक बात एक चीज मुझे मतलब बोलनी थी कि जो रेस्टोरेंट के अंदर जो मतलब बंद वाले होते हैं उसमें वो मजा नहीं आता जो जितना यहाँ पे ऐसे मजा आता है देख रहे हो एम्बियंस अलग होता है इसका मजा तीला आज वेज खाएगा चिकन खाएगा तू मैं तो वेज ही खाता हूं वेज आएगा और रोज ही वेज खाता भाई चलो देखते हैं यहाँ का भी टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है बाकी ये रजौरी गार्डन का बैक साइड का कौन सी जगह है ये क्या बोल रहे हो बोल रहे हैं सिटी के वहां पर है सिटी अरे जाम बड़ा जो भी है लोकेशन समझ ही होगा तो गाइस अपनी आ गया दाल मखनी हाय राजे दाल मखनी खाएगा
चलो गाइस खा के मिलते हो भाई। सो गाइस अब कल का तुम्हारा ब्लॉग होगा, अरे मेरा भाई है तू मैगी भाई है। सो गाइस आई होप आपने इस वीडियो में एंजॉय करेगा, इस एंजॉय करेगा लड़के है जिंदा बेच के खा लेंगे तू भाई बनेगा तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।